तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है प्रतीक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऑटो शेल्टर के एक नए वीडियो में। दोस्तों हर महीने की तरह हम इस महीने भी आपके लिए जो वो सेल्स रिपोर्ट लेकर आए हैं और हम आज के वीडियो में ये जानने वाले हैं कि जनवरी 2022 में कौन सी 10 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है। आप सभी को पता है कि पिछले महीने जो वो टाटा ने चमत्कार कर दिया था और इस लिस्ट में भी हमको जो है वो एक दो चमत्कार देखने को मिलने ही वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेन पोजीशन पर आई है टाटा की पंच। इस गाड़ी की जनवरी के महीने में 10,027 यूनिट्स बेची गई है। ये गाड़ी टाटा की तरफ से आने वाली एक माइक्रो एसयूवी है और अपने सेगमेंट का सबसे बेस्ट पैकेज ये गाड़ी हमको प्रोवाइड कराती है और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 5,49,000 रुपये से लेकर 9,39,000 रुपये तक जाती है। नाइन पोजीशन पर आई है हर महीने अपनी जगह टॉप 10 में बनाने वाली मारुति सुजुकी इको। इस गाड़ी की जनवरी के महीने में 10,528 यूनिट्स बेची गई है। इको मारुति की तरफ से आने वाले एक यूटिलिटी व्हीकल है और इसकी सेल्स हमेशा बहुत ही बेहतरीन हो जाती है और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 4,38,000 रुपये से लेकर 5,68,000 रुपये तक जाती है। एट पोजीशन पर आई है ह्यूंडई की वेन्यू। इस गाड़ी की जनवरी के महीने में 11,377 यूनिट्स बेची गई है। ह्यूंडई वेन्यू ह्यूंडई की तरफ से आने वाली एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है और जल्दी इस एसयूवी का फेसलिफ्ट भी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इसके बहुत से स्पाई शॉट जो वो देखे गए हैं और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 6,99,000 रुपये से लेकर 11,88,000 रुपये तक जाती है। सेवन पोजीशन पर आई है किया सेल्टोस। इस एसयूवी की जनवरी के महीने में 11,483 यूनिट्स बेची गई है। सेल्टोस जो है वो किया की तरफ से आने वाली एक मिड साइज एसयूवी है और इस एसयूवी का भी जल्दी फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 9,95,000 रुपये से लेकर 18,10,000 रुपये तक जाती है। सिक्स पोजीशन पर आए हैं मारुति सुजुकी इर्टिगा। इस गाड़ी की जनवरी के महीने में 11,847 यूनिट्स बेची गई है। इर्टिगा मारुति की तरफ से आने वाली एक एमपीवी है और इसकी सेल्स जो है वो सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही फ्यूल ऑप्शंस में बहुत ही बेहतरीन हो जाती है और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 7,96,000 रुपये से लेकर 10,69,000 रुपये तक जाती है। फिफ्थ पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी अल्टो। इस गाड़ी की जनवरी के महीने में 12,341 यूनिट्स बेची गई है। अल्टो मारुति की तरफ से आने वाली एक एंट्री लेवल हैचबैक है और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 3,15,000 रुपये से लेकर 4,82,000 रुपये तक जाती है। और फोर्थ पोजीशन पर आई है टाटा नेक्सॉन। इस गाड़ी की जनवरी के महीने में 13,816 यूनिट्स बेची गई है। नेक्सॉन टाटा की तरफ से आने वाला एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है और दिन ब दिन इस गाड़ी की सेल्स जो है वो बढ़ती ही जा रही है और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 7,30,000 रुपये से लेकर 13,35,000 रुपये तक जाती है। थर्ड पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। इस गाड़ी की जनवरी के महीने में 14,967 यूनिट्स बेची गई है। डिजायर मारुति की तरफ से आने वाला एक सब कॉम्पैक्ट सेडान है और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 5,98,000 रुपये से लेकर 9,03,000 रुपये तक जाती है। सेकंड पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इस गाड़ी की जनवरी के महीने में 19,108 यूनिट्स बेची गई है। स्विफ्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन हैचबैक है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली और इसकी सेल्स हमेशा बहुत ही अच्छी हो जाती है और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 5,85,000 रुपये से लेकर 8,67,000 रुपये तक जाती है। और इस महीने फिर से फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी वैगनार। इस गाड़ी की जनवरी के महीने में 20,334 यूनिट्स बेची गई है और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 4,93,000 रुपये से लेकर 6,45,000 रुपये तक जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी जनवरी के महीने की सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली 10 गाड़ियाँ। हम आपके लिए जल्दी ही बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स और बेस्ट सेलिंग एसयूवीज का वीडियो भी लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप वो अपडेट मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।